माह रमज़ान एक इबादत का महीना है और मुसलमान इसका साल भर यानी 11 महीने इंतज़ार करते हैं। और जब यह महीना शुरू होता है तो हर मुसलमान अल्लाह के करीब होने की कोशिश करता है अपनी इबादत और रियाजत के ज़रिए, ताकि वो अपने जिस्म और रूह को पाक साफ बना सके। ये तो एक इसका दीनी नज़रिया है, जो एक आलिम ही दीनी आलिम इस पर रोशनी डाल सकते हैं। मैं रमज़ान के ताल्लुक़ से सेहत और दुनियावी फ़ायदे के हिसाब से कुछ बताना चाहता हूँ। हम जब साल भर 11 महीने खाते पीते हैं, उसमें अच्छी बुरी चीज़ सभी किस्म की चीज़ें हम खाते हैं, टाइम बे टाइम भी खाते हैं, चिकनी तली हुई हर तरीके की चीज़ें खाते हैं, हमारी मैदा आते जो हैं वो उसके अंदर फजलात और गंदगी वगैरह उसमें किसी हद तक जमा हो जाती है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे जिस्म से मैदा आतों से वो गलाजत भी निकलती है, और मैदा आतों में जो टॉक्सिक मैटर्स होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, वो सब बाहर हो जाते हैं और मैदा आतों को एक रेस्ट करने की सहूलत इस महीने में मिलती है। और ये जब सब चीज़ें इसमें से निकलती हैं तो इसी को तिब्बे यूनानी में तनकिया भी बोलते हैं, तनकिया की दवाएं दी जाती हैं, तो ये कुदरती तनकिया हो जाता है एक महीने का। दूसरी बात यह है कि आजकल गुटखे का दौर है, हर बच्चा, हर जवान, बच्चा तो नहीं, खैर बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी के जेब में गुटखे रखे हुए, गुटखे के पाउच रखे हैं, डिब्बा रखा हुआ, और चलते वक्त बात करता जा रहा है और एक गुटखा फाड़ के मुँह में डालता चला जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिसकी वजह से उनके मुंह में प्रॉब्लम हो रही है। दहाना जो है मुंह का वो नहीं खुल पाता, छोटा होने लगता है और मुंह में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है। ये एक अलार्मिंग स्टेज होती है, गुटके की देन होती है ये, और इसको अगर फिर भी ध्यान ना दिया जाए तो आगे जाके बक्कल कार्सिनोमा और खाने की नली के अंदर कैंसर, खाने की नली के अंदर जख्म, मेदे में जख्म, आंतों के अंदर प्रॉब्लम, सब चीज़ें से पैदा होती है। तो रमज़ान के महीने में जो लोग ये शौक करते हैं या और दूसरी कभी आदतें उनको पड़ चुकी हैं, जो जैसे बोलना चाहिए इविल एडिक्शंस, वो सब ख़त्म कर सकते हैं अगर कुव्वत इरादी मजबूत हो, विल पावर मजबूत हो। क्योंकि जब सहरी से इफ्तार तक हम कुछ नहीं खा रहे और उसके अंदर नशा भी नहीं कर रहे गुटखे वगैरह का, तो सहरी इफ्तार से लेकर रात के सोने तक थोड़ा सा ही वक्त बचता है, तरावियों में भी आदमी जाएगा तो थोड़े से वक्त के लिए आदमी अगर चाहेगा तो उन गुटखे को नहीं खाएगा, और एक महीने तक जब इसे तर्क करेगा किसी भी नशे को, तो फिर बाकी आने वाले आइंदा दिनों में वो इसको नहीं लगाएगा मुंह को। इसी तरह जिन लोगों को मोटापे की शिकायत है, जिस्म में फैट ज़्यादा है, चर्बी बढ़ गई है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी यह है इसका कि जब आदमी स्टार्विंग कंडीशन में होता है, फास्टिंग कंडीशन में होता है, तो उसकी बॉडी फैट जो है, बॉडी की जो फैट है, बॉडी उसको कंज्यूम करती है, और जब कंज्यूम करती है तो ऑटोमेटिकली वजन कम होता है। आप देखेंगे जो सही मायनों में रोज़े रखते हैं, सही मायनों में सैर रफ्तार करते हैं, तो एक महीने के बाद आप देखेंगे उनमें नकाहत महसूस होती है और उनका जिस्म ईद वाले दिन कमज़ोर नज़र आता है, पहले से घटा हुआ नज़र आता है। ये एक सही रोज़े की पहचान भी होती है, सही इफ्तार और सहरी की। तो जब ये चर्बी ख़त्म होती है तो कोलेस्ट्रॉल भी जिस्म का किसी हद तक गिरने लगता है, जिसकी वजह से हमको हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां सब हो जाती हैं। तो हम रोज़े का एहतमाम जो करें तो हल्के सहर रफ्तार से करें, और उसके अंदर हम ये सोचें कि हमें आदत पड़ गई अल्लाह से तौबा करते हुए कि अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से इससे हमें छुटकारा दे, तो इंशाल्लाह यकीनन इन चीज़ों से छुटकारा भी मिलेगा और फ़ायदा भी होगा। ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, इसे सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ लिखें।